नमस्ते, मेरा नाम है मानव। पाकिस्तानी सरकार खूब गालियां खा रही है, लोग उसे खूब गरिया रहे हैं। अब गरिया क्यों रहे हैं, इसकी कहानी जानने के लिए आपको मेरे साथ फ्लैशबैक में चलना होगा। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताते हुए गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का कहना था कि वो जासूस है जो पाकिस्तान की सूचनाओं को भारत में पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय सरकार लगातार कहती रही कि वो रॉ के एजेंट नहीं है और नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और उनका जानकारी के आदान प्रदान में कोई रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उनकी इस बात को नहीं माना और फांसी की सजा तक सुनवा दी। वहाँ की कोर्ट है पाकिस्तान की, उन्होंने कह दिया कि जो कुलभूषण जाधव हुए हैं उनका जो दोष है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई कोर्ट द्वारा। अब जब मामला इतना तूल पकड़ गया तो भारतीय सरकार भी आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गई इंसाफ के लिए। अब वहाँ पे जब मामला पहुंचा तो पूरा मतलब बवंडर हो गया। कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई करती रही। काफी दिन तक सुनवाई चलने के बाद अब इस पर फैसला आया है। आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार कुलभूषण जाधव को लेकर अपने रवैये में सुधार करे, उसे फांसी की सजा के बारे में भी पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और उसको प्रताड़ना देना वियना की संधि का उल्लंघन है। इसलिए पाकिस्तान सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और अच्छे से समझकर तब फैसला कुछ लेना चाहिए। अब इंटरनेशनल कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बौखला गया। उसके मंत्री पूरी तरीके से हाय हुल्ला करने लगे, विधवा विलाप करने लगे। पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं फवाद हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के वकीलों ने बेहद शानदार ढंग से ये केस लड़ा है और उन्होंने अपनी पूरी जी जान से पाकिस्तान के पक्ष को दुनिया भर के सामने रखने की भरसक कोशिशें की है, लेकिन भारत के दबाव के आगे आईसीजे झुक गया है और ये फैसला सुनाया है। फवाद हुसैन साहब यही नहीं रुके, उन्होंने भारत को गरियाते हुए लिखा कि पाकिस्तान लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन भारत सरकार है कि अच्छे संबंध बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब दोनों देशों को बातचीत की मेज पर आगे आकर बातचीत करनी होगी, वरना एक मंजर ऐसा होगा जो दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्होंने भारत को पाकिस्तान में अशांति फैलाने वाला देश करार देते हुए कहा कि भारत की तरफ से वहां पे लगातार ऐसी सिचुएशन पैदा की जा रही है जिससे पाकिस्तान में दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कश्मीर को अपना बताते हुए कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान काफी अच्छी निगाह से देखता है, वहां के जो नागरिक हैं उनके भले के बारे में सोचता है, लेकिन भारत को मिर्ची लग जाती है। अब हमारे तो भाई एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान का हिस्सा तो बलूचिस्तान भी है, लेकिन बलूचिस्तान में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, वहां के लोग परेशान हैं, उन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा है, रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार है कि उसे कश्मीर की पड़ी है। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान सरकार और उसके मंत्री कश्मीर के बारे में बाद में सोचें, पहले अपने घर को देख लें, वहां पे काफी सारी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि अगर वो अपने घर पे ध्यान देंगे तो पाकिस्तान जरूर आगे बढ़ेगा। खैर, फवाद हुसैन साहब ने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें जम के गालियां मिली। लोगों ने कहा कि अरे भैया पहले अपना घर देख लो, उसके बाद ही दूसरे देश को संभालना, तुम्हारे देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं और तुम भारत को नसीहत दे रहे हो। खैर, इस पूरे सोशल मीडिया के ड्रामे के बीच अब फवाद हुसैन साहब की जम के फजीहत हो गई है। उन्होंने अभी तक अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा है, ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है उसके बाद उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। वो कितनी जल्दी सफाई देते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। शुक्रिया।